जिले में स्टोन खदानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। 11 खदानों को सीज किया गया है। एनजीटी के आदेश पर खनिज विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कार्रवाई के बाद गैर कानूनी तरीके से स्टोन खदान संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिले में 100 से अधिक स्टोन खदानें चल रही हैं, जहां नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खदानों में बाउंड्री वॉल की हाइट कम है, वहीं आसपास के इलाकों में एयर और वाटर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों को घरों में रहना मुश्किल हो गया है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से कई जगह गांव में पत्थर भी गिर रहे हैं, वहीं धूल गुबार से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। एनजीटी के आदेश पर कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने खनिज विभाग के साथ पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर जांच टीम ने तत्काल 11 स्टोन क्रशर्स को नियमों का पालन नहीं करने पर सीज कर दिया, जिससे जिले में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ और स्टोन खदानों के बंद करने की कवायद जारी है। लगातार शिकायतें भी हो रही थी कि जिले में चल रहे स्टोन क्रशरों की मनमानी से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। आदेश पर उपरांत जिला सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा पर्यावरण विभाग की और माइनिंग की एक टीम बना करके जिले में स्थापित समस्त अंठावन क्रशरों की जाँच कराई गई और लगभग 106 खदानों की जाँच कराई गई है, जिसमें पर्यावरण के मानकों को सही ढंग से मौके पर न पाए जाने के कारण क्रशरों में 7 क्रशरों को भी तत्काल बंद किया गया है और 7 खदानों को भी बंद करने की कार्रवाई की गई है। अभी आने वाले समय में और भी क्रशरों को और खदानों को बंद किया जाएगा, जिनमें भी माननीय एनजीटी और पर्यावरण के शर्तों का जो उल्लंघन किया गया है अथवा मानक सही नहीं पाए गए हैं, सारी रिपोर्टें आ गई हैं, सब परीक्षण उपरांत सभी में धीरे कार्रवाई की। अभी क्या कुछ 4 और खदानें हैं जिन पे कार्रवाई, यानी कुल 11 खदानों पे कार्रवाई हो। कल कड़सा में 4 और खदानों में आदेश किया है, उन्हें भी बंद किया जाएगा। तो क्या माना जाए कि आखिर कहीं ना कहीं मानकों का पालन न होने से आम जनता जो आसपास गांव के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, उनके डस्ट और आम जनता का तो स्वास्थ्य पे कोई भी विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन उनमें खदानों में फेंसिंग वायर नहीं पाए गए हैं। कसरों में बाउंड्री वाल बनाई तो गई है, लेकिन उनकी प्रॉपर हाइट नहीं है और कहीं कहीं पर बाउंड्री वाल इनकम्प्लीट पाया गया है, तो उसे शीघ्र ही कम्प्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए खदाने और कसर बंद किए गए हैं। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।